में शहर से लेकर गांव तक ट्रांसफार्मर जलने व बिजली कटौती की शिकायत लगातार हो रही है। गांव में बिजली नाम मात्र की रहती है। बिजली के बिल लगातार आ रहे हैं। बिल नहीं भरने पर बिजली काट दिया जाता है। बिजली कटौती की शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं होती। विद्युत को लेकर अंधेर गर्दी मची हुई है। बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत लेकर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रुपेश चंद्र पांडे के साथ गढ़हरा गांव के दर्जनों ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे थे। लोगों का कहना है कि गांव में ट्रांसफार्मर जले हैं, पूरे गांव में अंधेरा छाया है। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा खंबे भी चोरी कर लिए गए हैं। बिजली कटौती की शिकायत कई बार की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के पास आए हुए हैं। कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष रुपेश चंद्र पांडे का कहना है कि शहर से लगा हुआ गढ़हरा गांव है, जहां 3000 के लगभग आबादी है। ट्रांसफार्मर 15 दिनों से ज्यादा समय से जला हुआ है। पूरे ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन हेतु बाध्य होंगे। क्या कुछ समस्याएं लेके? देखिए, जिला मुख्यालय से सटा हुआ मेन रोड से परसोना के आगे गढ़हरा ग्राम है। लगभग 3000 से ऊपर की आबादी है। विगत 5 साल से 8 खंभा की केबिल टूट के बिखर गई थी। कई बार लोग उस केबिल की के लिए यहाँ पर कलेक्ट्रेट में डी साहब से, बिजली विभाग के जेई साहब से मांग किए। केबिल टूटी फूटी जलती रही। अभी विगत 1 महीने से केबिल पूरी टूट के बिखर चुकी है। और वहाँ पर गृह ग्राम में गढ़हरा में इन लोगों का जो खंभा लगा था, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा 2 खंभों को वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट करा दिया गया। एक तरफ कोरोना की महामारी चल रही है, लोग बेहद परेशान हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, धान की रोपाई चल रही है, लाइट लगातार 15 दिनों से गढ़हरा ग्राम में नहीं है। ये पूरी जनता गढ़हरा गांव की आप देख रहे हैं, सब लोग आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, और बिजली विभाग के डी साहब को भी ज्ञापन दिया गया है, जेई साहब से बात हुई है। लेकिन धन्य है ये सरकार, इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति यहाँ तक है कि कहते हैं कि केबल नहीं है, तो इस समय खंभा नहीं है, आखिर में लोग जाएँ कहाँ? क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं इसको लेकर? निश्चित रूप से जहाँ तक आप लोगों ने बताया कि ये विधायक महोदय से भी चर्चा किए हैं, क्षेत्रीय विधायक जी से भी चर्चा किए हैं, माननीय सांसद महोदय से भी चर्चा किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल तो नहीं हुआ है। आज मजबूर होकर के कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं इन समस्याओं को लेकर के, और नहीं होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। हमारे यहाँ लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर चल गया है, आज कई दिन से हो गया, 15 दिन हो गया। उसका ट्रांसफार्मर में हम परसोना कहिए हैं, बात करे हैं तो कहते हैं आज लगेगा, कल लगेगा, यही है। अब रोपा लग रहा है, धान की जराई है, मच्छर काट रहे हैं, लाइट नहीं है, इसी हमारा दिक्कत है। और जनप्रतिनिधि लोग कोई सुनते हैं आप, किसी जनप्रतिनिधि से बात करते हैं कि आज लगेगा, कल लगेगा, अभी नहीं लगेगा, ऐसा है वैसा है, यही बताते हैं। और कोई नहीं सुनता? हाँ, कोई नहीं सुनता है। क्या नाम है आपका? छोटा लगता है।